जाते विदेश समाज सब आवे निज परला सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो भव विधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार पेज नंबर 73 मोक्ष सुगुरु उसकी प्राप्ति का उपाय ये प्रकरण चल रहा है। दो बात सिद्ध करेंगे यहाँ पर, एक तो ये कि मोक्ष में सुख है क्या, और क्योंकि मोक्ष में जिस सुख की प्रतीति उत्पन्न ना हो तो उसकी प्राप्ति के उपाय जानने की जरूरत क्या है। जिन जीवों को संसार में सुख भाषित होता है उन्हें मोक्ष की क्या जरूरत है, मोक्ष की प्राप्ति के उपाय से भी क्या मतलब। इसलिए पहले तो ये प्रतीति करा रहे हैं कि संसार में सुख नहीं, ये प्रतीति करा रहे कि सुख मोक्ष अवस्था में है। काहे सुख मोक्ष अवस्था, संसार की किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। तो पहले बहुत चर्चा करा इस बात, चाहे संसार में किसी भी प्रकार का पुण्य का उदय हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य के उदय में भी जीव आकुलित है, सुखी नहीं है। सुख तो मात्र एक मोक्ष अवस्था में है ये सिद्ध कर रहे हैं, और फिर इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है वो बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर नीचे निकालो पेज नंबर 73 पे लास्ट क्वेश्चन, नीचे की पंक्ति, यहाँ कोई कहे कि मिल गया, दान लाभ भोग भोग तो करते नहीं है कौन, कौन नहीं करते दान लाभ भोग, सिद्ध भगवान भी नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भगवान काय का दान दे रहे हैं, अनंत में तो फिर भी घटित कर देगा कोई भी, दिग ध्वनि का दान दे रहे हैं है? और उनको समोषण का लाभ हुआ है, समोषण का लाभ अंतराय के अभाव से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न अपने को किस पे लगाना है, सिद्धों पे। सिद्धों में दान है क्या, लाभ है, भोग है, और भोग है तो उनके शक्ति कैसे प्रकट है। नवलब्धि है सिद्धों के, अनंत ज्ञान दर्शन सुख, छाई ज्ञान दर्शन सुख, छाई ज्ञान छाई दर्शन छाई छाई सम्यक छाई दान लाभ भोग भोग और ये शक्ति है ना उनके, सिद्धों में है कि नहीं है। इस शक्ति का कार्य क्या है, करते तो है नहीं कुछ भी दान लाभ भोग भोग, शक्ति कैसे प्रकट हुई उनके, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, भाई दान देते हुए दिख नहीं रहे, किसी चीज का लाभ हो नहीं रहा है, कोई का भोग कर नहीं रहे, किसी का उपभोग नहीं कर रहे, तो ये काम तो हो ही नहीं रहे, फिर उनकी शक्ति उनको कैसे प्रकट हुई कहा जाए, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आएंगे, सिद्धों के दान लाभ भोग भोग वो करते हुए दिखाई नहीं देते, फिर भी उनकी शक्ति प्रकट हुई ये कहा जाता है कि उनके छाई दान लाभ भोग भोग है, तो वो कैसे ये हमें समझाओ, ये प्रश्न है। उत्तर देंगे इसका, उत्तर देना है ही, उत्तर तो नहीं बताना आपको, उत्तर देना लिखाइए। समाधान, ये कार्य रोग के उपचार थे क्या, काम दान लाभ भोग भोग ये रोग था क्या, क्या रोग था, किस बात का रोग था, दान की इच्छा थी तो दान दे पा रहे थे, लाभ की इच्छा थी लाभ हो रहा था, भोग की इच्छा थी भोग हो रहा था, वो भोग की इच्छा थी भोग हो गया, वो इच्छा थी ना, तो इसलिए ये सब कार्य है होते थे, इच्छा रूपी रोग के उपचार थे। दान लाभ भोग भोग की इच्छा होने पर वो कार्य दिखाई देते थे, अब अपने
दान लाभ भोग भोग दिखाई देता है। तो अपने उस जाति का रोग है ना, दान देने की इच्छा है, व्यापार में लाभ की इच्छा है, भोग की इच्छा है, भोग की इच्छा है। तो ये कार्य अपने जो भी, ये सब रोग के उपचार। रोग क्या है? दान लाभ भोग भोग की इच्छा। अब ये कार्य रोग के उपचार अपने, तो ये पहले अनंत अवस्था में पहले क्या था, ये जब वो अनंत नहीं बने थे उसके पहले ये सब उपचार दिखाई देते थे। तो ये कार्य रोग के उपचार थे, जब उनको रोग था तभी उपचार स्वरूप दान लाभ भोग भोग दिखाई देते थे। अब रोग ही नहीं है, दान देने की इच्छा ही नहीं है, लाभ भोग भोग की इच्छा ही नहीं है, तो उपचार क्यों करें? दान लाभ भोग भोग तो तब दिखाई देना जब उनको इच्छा हो, और उनकी इच्छा ही नहीं रही तो फिर उनके दान लाभ भोग भोग कार्यक्रम में दिखेगा कैसे? जब बीमारी चली गई तो इलाज लेते हुए क्यों दिखेंगे? दवाई तो तब लेगा आदमी जब बीमार हो, तो वो दवाई की अब उनको जरूरत नहीं। किस दवाई की? दान लाभ भोग भोग दवाई के रहेंगे। ये कार्य जो है दान लाभ भोग भोग रूप जो कार्य है वो उनकी इच्छा के इलाज है। जब उनको दान लाभ भोग भोग की इच्छा ही नहीं है तो ये कार्य भी उनको नहीं दिखाई देंगे ना। वो इच्छा नहीं है, रोग नहीं है, तो उपचार क्यों करें? इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं, इसलिए काम दिखेंगे नहीं। और अब ये कह रहे हैं इनके रोकने वाले जो कर्म थे उनका अभाव हो गया, मैंने दान को रोकने वाला जो दानांतराय कर्म था हो गया, लाभांतराय गया, भोगांतराय गया, भोगांतराय गया। तो वो जो रोकने वाले थे वो चले गए, और रोकने काम की इच्छा नहीं है। समझदारी बात, पहले कार्य की इच्छा थी और उस इच्छा में विघ्न आते थे बार बार, भोगने की इच्छा थी और भोग में अंतराय होता था। अब भोगने की इच्छा चली गई और अंतराय का कारण का भी अभाव हो गया। तो अंतराय के कारण मतलब जो उसमें विघ्न करते थे उन कारणों का भी अभाव हो गया, और अब उसकी इच्छा भी नहीं रही, दोनों तरफ से हुआ। इसलिए ये अब जब वो कारण का अभाव हो गया, रोग मतलब उन्हें रोकने वाले कर्म का अभाव हो गया, तो शक्ति प्रकट हुई। कहते हैं कि शक्ति है अर्जुन के अंदर। जैसे अपने को समझ लो कि कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ हो गई, तो उस तकलीफ के कारण अपने को किसी व्यक्ति ने कोई चीज खाने की मना कर दी, तो तुम टमाटर मत खाना, बीमार पड़ोगे और ज्यादा, तो खाने की तो बहुत इच्छा है, उसके बिना काम नहीं चलता। इच्छा बहुत है लेकिन क्या करे, बीमारी ने क्या कर रखा, रोग रखा। अब क्या हुआ कि अब इसने कहीं समझ लो टमाटर का त्याग ही कर दिया, और थोड़े दिनों बाद बीमारी भी चली गई, तो बीमारी भी चली गई और उसको खाने की जो इच्छा थी वो भी चली गई, तो शक्ति एक ही उसमें। अब टमाटर खाने की शक्ति कही जाएगी, यदि भी वो खाना मतलब खाएगा कि खाता नहीं है, लेकिन उसमें खाने की शक्ति है कि नहीं? पहले नहीं थी जब बीमार था, खाने की शक्ति नहीं थी, मर जाएगा बोले खाएगा था। पहले बादाम का हलवा खाने की शक्ति नहीं थी, अब रोग मिट गया तो शक्ति तो प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? कि सब खा तो रहा है नहीं, कैसे मालूम चले इसकी शक्ति है? कि खा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन खाएगा तो पच जाएगा, खाने की शक्ति है। अब इसमें बादाम पचाने की शक्ति है, तो पचाता हुआ पछता हुआ वो दिख ही नहीं रहा है, पछता इसलिए नहीं दिख रहा है कि खा नहीं रहा है, खा तो ये ही नहीं है, खा इसलिए नहीं रहा कि खाने की इच्छा है। तो खाने की इच्छा नहीं है और नहीं खा रहा है तो भी खाने की शक्ति उसको है कि नहीं? खाने की शक्ति शक्ति प्रकट हुई कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? अब शक्ति आ गई है अब खाने, तो वो कार्य भले ही ना दिखाई दे, खाने का काम भी दिखाई दे, लेकिन कहा जाएगा कि इसमें वो खाने की शक्ति प्रकट हो गई। ऐसे ये कार्य कुछ भी नहीं दिखाई देंगे सिद्धों, लेकिन इन सब कार्यों की शक्ति होगी प्रकट। एक उदाहरण मोड़ दिया है, जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका, तो रोका था तब दुखी था, मेरे को रोक दिया, जाने नहीं देते, और जब उसकी रोक दूर हुई तब
जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था, जिस काम के लिए जाना चाहता था, वो काम ही नहीं रहा। इसलिए गमन भी नहीं किया। जैसे किसी व्यक्ति की पहले घूमने फिरने की बहुत इच्छा, धन है ही नहीं तो क्या करे, दुखी है। अब क्या हुआ, अब जिस काम के लिए घूमने फिरने की जाना जाता, घूमने फिरने की इच्छा ही खत्म हो गई। तो अब जाने का कारण आ ही नहीं कहीं भी, और लेकिन अब धन आ गया तो शक्ति है कि नहीं जाने की? शक्ति तो है, तो इच्छा काल नहीं दिखाई देगा। तो लोग कहें अरे काम तो जाते तो ही नहीं, ये भैया जाने की शक्ति बहुत है लेकिन जाने की इच्छा नहीं। इच्छा होने पर वो कार्य का सद्भाव नहीं दिखाई देता, इच्छा का अभाव होने पर। और इसलिए कार्य का सद्भाव भले ही ना हो, लेकिन यदि वो कार्य करना चाहे तो उसकी शक्ति उसके अंतरंग में है। वो कहा है तो गमन करने की इच्छा थी, कोई ने रोका था तो दुखी होता था। बच्चे लोग हैं, खूब काम करना चाहते हैं, जाना इधर उधर, माता पिता रोकते हैं तो दुखी होते हैं। बड़े हुए, समझदार हुए, खुद को ही जाने की इच्छा नहीं रही, या वो कार्य करने का प्रयोजन ही नहीं रहा। और शक्ति फिर भी कही जाती है कि शक्ति है कम में। वहां उसके गमन ना करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहां भी जान लो, संसारी के उल्टा है काम। संसारी के तो बहुत इच्छाएं तो अनंत है, भोग की पूछो तो इतना भोग करना चाहता है कि बस सुबह से शाम तक खाने की शक्ति नहीं है तो इसकी क्या। और कई लोग नहीं होती शक्ति तो क्या करते हैं, भूख लगवाने के लिए ऐसे पदार्थ खाते हैं जिससे भूख लगे, खाने की इतनी आलसा है, भूख लगाने के लिए दवाई लेते हैं भूख की दवाई। नहीं, पंच इंद्री के अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन क्या करे, भोगने की इतनी लालसा है कि शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय करते हैं। तो इसलिए संसारी के तो फिर भी अंतराय आया था, काम भोग भोगना चाहता है, कदम कदम पे अंतराय आता है, लाभ करना चाहता है लाभ में अंतराय आता है, उपभोग करना चाहता है उपभोग में अंतराय आता है, दान देना चाहे दान में अंतराय आता है। तो ये इनकी पहले संसार अवस्था में उसको इन कार्यों को पढ़ने की बहुत इच्छा थी। अब क्या हुआ मुक्त अवस्था में कि उनकी इच्छा ही नहीं रही, लेकिन शक्ति जरूर अब प्रकट हो गई। अब वो करना चाहे तो वो सब कर सकता, अनंत भोग है, अनंत भोग है, क्योंकि अनंत सुख प्रकट हुआ है तो उससे अनंत पदार्थों को भोगने की शक्ति, उनका ज्ञान करने की शक्ति, यही भोग की शक्ति। इच्छा एक की भी नहीं तो दोनों तरह से सुखी हुए कि नहीं हुए। अज्ञानी की इच्छाएं अनंत होती है और उन एक एक इच्छा की पूर्ति में भी लाख बाधक कारण उपस्थित हो जाते हैं। और भगवान जितेंद्र के इच्छा एक भी नहीं होती है और अनंत पदार्थों का भोग भोग स्वयं में आकर खड़ा हो जाता है। अनंत पदार्थों का ज्ञान बढ़ता है, जानने की एक की इच्छा नहीं है, ज्ञान सबका होता है, वो भी स्वाधीन होता है, किसी पर वस्तु के अधीन नहीं होता है। तो वहाँ इसके इसलिए कहते हैं शक्ति कही जाती है। इसलिए अनंत भगवान के भी, सिद्ध भगवान के भी अनंत इच्छाई दान लाभ भोग भोग की शक्ति उनके कही जाती है। वहाँ इसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानाधिक की शक्ति रूप अनंत वीर प्रकट पाया जाता है। अनंत वीर तो दिख ही रहा है कि ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई कि नहीं, अनंत ज्ञान को धारण करने का वीर, अनंत दर्शन, अनंत सुख, इसको धारण करने की शक्ति प्रकट हुई है। अभी आपको चार चीजें याद करने को दे दे और कह दे कि कल से जो याद करके नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, तो आधे तो गायब हो जाएंगे। परीक्षा के दिन देखो आप, सब सन्नाटा छा जाता है, जैसे कर्फ्यू लगा हो यहाँ पे एकदम। मैंने कहा किसी पे अत्याचार थोड़ी कर रहे हैं उस दिन, जो आए वो लिख देना, नहीं आए मत लिखना, कोई अपनी इज्जत क्या है इसमें, इज्जत में क्या ना इज्जत। अच्छा अपना उपयोग एक घंटे उसमें लगेगा। जो लोग परीक्षा देने नहीं आते वो घर पे क्या करते होंगे, वो तो आत्मा का ध्यान कर रहे होंगे, टीवी देखते हैं और कुछ नहीं करते।
कुछ न कुछ घर गृहस्थी के ही काम कर रहे होंगे ना, विषय भोग के ही। कोई जीव यदि उससे भी ऊंचा काम कर रहा हो आत्मध्यान का या समझ लो स्वाध्याय का, तो मैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन यदि वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो एक घंटे यहाँ करते हैं वो भी छूट गया। एक बात है, अपने को धर्म पढ़ना हो या कोई भी चीज़ पढ़ना हो, अपने को अपनी इज्जत को एक तरफ रख के आना चाहिए। जिनको अपनी इज्जत की परवाह होती है कुछ नहीं सीख सकते। बच्चे को आप समझा पढ़ा रहे हो, बच्चे को कुछ के उत्तर समझ में आया, फिर अपन वो कोशिश करते हैं, फिर पूछो समझ में आया। आप पांच बार पूछो और आखिरी बार झल्ला के पूछो, समझ में आया तो भी वही काम नहीं आया तो नहीं आया, वो किसी बड़े से आप एक बार पूछो। वो दूसरी तीसरी बार में झूठ बोल देगा, आया नहीं आया, उससे पोजीशन डाउन हो जाएगा। एक कह रहे मैंने तीन बार समझाया आपने समझ में नहीं आया। ये अंतर है बहुत बड़ा। इसलिए जो है ना, जो जिसको इज्जत की परवाह नहीं होती वो सीख सकता, इज्जत की परवाह सीखने नहीं देती, बहुत बड़ा रोड़ा है बाधक कारण। कभी कभी तो मुझे भी पता रहता है कि किसी को नहीं आया होगा। क्या तो मैंने कहा जो चीज मेरे ही 10 बार समझने पे आई है वो इनके एक बार में क्यों आ गई। इसका मतलब या तो ये इनको कोई प्रयोजन नहीं है समझने से, या इनको शर्म बहुत है, और क्या, दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो नहीं दिखता, दूसरा हो सकता है क्या। इसलिए बालक सीख सकता है, बालक में इतनी वो नहीं होती है शर्म भरम। क्या तो अभी अपन तो बात तो ये कर रहे थे, किसी को इतना सा ज्ञान करने को दे दो तो उसको दिमाग में थकान लगती है, माथा दुखने लग जाता है, इतना याद करके आना, इतना पढ़ना, तो अनंत ज्ञान तो भगवान तो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अनंत ज्ञान जैसी हो। चार गाथा है दिमाग में रखने में कितना लोड। क्या तो अनंत गाथा है, उनको याद है, क्या सारे शब्द उनके ज्ञान में है, तो कितना लोड आता हुआ उनके ज्ञान में। कल का याद रखने की कह दो किसी को, 5 दिन की कोई चीज कि 5 दिन पहले क्या पढ़ाया था, कुछ याद नहीं। मैंने 15 दिन की जो अपन चीजें पढ़ते हैं, 1 महीने पढ़ते हैं, वो अपन पूछो एग्जाम में तो बहुत बड़ा लोड लगता है कि वो कहाँ याद, किसी को याद रख सकते क्या। तो जब इतने में अपने को इतना माथे पर बड़ा वजन लगता है, बच्चे से पूछो परीक्षा के अंदर उसको ऐसा वजन लगता है, ऐसा लगता है वो 10 किलो का वजन लेके अंदर घुस रहा हो, वजन परीक्षा लेके निकलता है ऐसा लगता है कि वजन सब अंदर ही डाला है। तो इतने से में हमको इतना श्रम लगता है, इतनी थकान लगती है, तो अनंत का ज्ञान करने में भगवान को कितनी थकान होती होगी, ऐसा प्रश्न किया है इसमें प्रवचन सार ग्रंथ। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है कि भाई उनके अनंत वीर भी तो प्रकट हुआ है, वो शक्ति है जिससे वो अनंत ज्ञान को धारण कर सकते हैं, अनंत वीर के धनी है, अनंत ज्ञान अनंत सुख को धारण किए रख सकते हैं, तुम में नहीं है बल्कि ये शक्ति। क्षयोपशमी ज्ञान में खेद होता है, क्योंकि क्षयोपशमी ज्ञान है ना, वो 5 इंद्रियों को जानना चाहता है, और जब वो 5 इंद्रियों से हटा के उसको अपने आत्मा की ओर ले जाते हैं तो वो उसको एकदम रुचि नहीं लगती, नहीं मेरे को तो ठीक देखना, मेरे को तो ये विषय भोग जागे, तो वो उसमें उसको खेद होता है, क्योंकि उसको उपयोग एक समय में एक ही जगह लग सकता है, ज्ञान एक समय में एक गेह में लगता है, तो वो अन्य गेह से हटा के उसमें लगाना, उसमें थोड़ा उपयोग को उसको क्या लगता है, थोड़ी खेद वगैरह लगता है, थकान लगती ना। लेकिन ये क्षयोपशमी ज्ञान में ये सब थकान, क्षयिक ज्ञान में कोई थकान नहीं, क्योंकि क्षयोपशमी ज्ञान में इसलिए वो भी इसलिए थकान लगती है क्योंकि वो ज्ञान एक एक गेह को क्रम क्रम से जानता है, तो इसको नहीं जान के इसमें लगाना तो इसमें उसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे परीक्षा होती है लोग चले जाते अपने अपने रुचि के विषय में, बस आज तो मुक्ति मिल गई। जिसको जो जानने की रुचि होती है जिस गेह की, वो तत्काल उस गेह को पकड़ता है। गेह लुद्धता तो अंदर थी ना, तो रोक रखा था प्रवाह को अपन ने कैसे भी करके रोक दिया था, वो रोक दिया, जैसे ही वो रुक गया बंद हो गया रुकना, जहाँ उसकी रुचि थी उसे
तो ये क्या सब काम क्षमिक ज्ञान है। क्षय ज्ञान में तो एक साथ युगपत सबका जानना होता है, इसलिए उसमें कोई खेद का कोई कारण नहीं। इसलिए उनके अनंत ज्ञान की शक्ति रूप अनंत वीर उनके प्रकट पाया जाता है। मैंने ये पहले चार के काल, पहले चरण में तो ये बताया कि भले काल नहीं है लेकिन उसकी शक्ति उनके है, और अनंत वीर तो प्रकट ही है, उसका तो कार्य भी दिख रहा है कि अनंत ज्ञान को धारण किए हुए इस प्रकार से उनके अनंत वीर प्रकट पाया जाता है। ये हो गई घातिया कर्मों की बात। अब अघाती कर्मों की बात करते थे। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। अघाती कर्म वस्तुतः कोई दुख की कारण नहीं, क्योंकि अनंत भगवान के अघातिया कर्म, लेकिन कोई दुख का कारण नहीं होता, सुख का कारण नहीं होता। इसलिए उनके आगे जो भी विभूति की जाती है ना, तो वो विभूति दोष का कारण नहीं होती। सर्वज्ञ परमात्मा के अलावा या वीतरागी के अलावा अन्य किसी के सामने छत्र चवर सिंहासन भामंडल लगाना, ये उसके राग का निमित्त है, राग का कारण बनेगा। जो जिस पद के योग्य नहीं है, वीतराग तो आई नहीं है, तो बोले हम तो आपके लिए सिंहासन छाप छत्र छामंडल, तो उससे उस व्यक्ति का पतन होगा, उत्थान नहीं होगा। समझ है ना कि भाई इनके आगे चमड़ लगा दे, चमड़ ढो दे, भामंडल सिंहासन तीन छत लगा दे, तो वो व्यक्ति ही के वो कषाय के कारण बनेंगे। लेकिन वीतरागी के लगाए अपन तीन छत, कोई डर की जरूरत नहीं। क्यों डर की जरूरत नहीं? राग नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए निसंकोच रूप से सारी विभूति प्रदर्शित करो इनके आगे, जो भी अपने अंदर की इच्छा सब करो। इंद्र लोग क्या करेंगे, देवों को तो मौका मिलना चाहिए। क्या तो देव लोग इसलिए अपनी पूरी शक्ति लगा के पूरा वैभव प्रदर्शित करते हैं। तीन लोग की सुंदरता पूरी वहां पर समोषण में छा जाती है। तीनों लोगों में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ होते हैं वो समोषण में होते हैं। अब वो कोई डर नहीं, क्यों? क्योंकि जिसके लिए लाने अपन ने सब किए हैं, सिंहासन लगाया जिनके लिए, उनको इतना सभी राग नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं। वो उनके लिए राग का कारण नहीं बनेगा, बंध का कारण नहीं बनेगा, पतन का कारण नहीं बनेगा, सुख का कारण नहीं बनेगा। सिंहासन लगाया कोई मतलब नहीं है, और ऊपर बैठ गए सिंहासन, तुमने सिंहासन लगाया और कमल के ऊपर, मतलब उससे और अंतरिक्ष में जाके विराजमान हो, छत्र भी ऊपर है, सिंहासन भी नीचे है, न छत्र को स्पर्श करते हैं न सिंहासन को स्पर्श करते। तुम्हें जो करना हो करो भाई, अब तुम अपने हाथ तुम अपने स्वतंत्र हो। लेकिन वो किसी भी पदार्थ के प्रति उन्हें ममत्व या राग भाव उत्पन्न नहीं होता, ऐसी उनकी वीतराग प्रणति होती है। इसलिए अनंत भगवान के सम्मुख शोभा आदि करने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी भी रागी के सम्मुख नहीं किया जा सकता। रागियों के बीच तो उनकी महिमा कैसे बताए, तुमको तो उससे महिमा आती ना। भगवान भी ऐसे दिख जाए सूखे सूखे, क्या भगवान है, अरे यही मंदिर में आ जाए, मंदिर में यदि उसको छत्र नहीं लगे हुए दिखे तो उसका ध्यान भगवान पर नहीं जाएगा, छत्र नहीं कैसे भगवान। लोगों को जितनी सामग्री लगाने में शोक मंजा आता है, उतनी कोई जिनवाणी इनवाणी की दिखती है किसी को? हर मंदिर को अपन सोने से जरूर मांडेंगे, जिनवाणी से भले ही मंडे या नहीं मंडे, सोने चांदी के उपकरण कितना मजा आता है, बावन बजा चले जाओ मन प्रफुल्लित हो जाए। कैसे प्रफुल्लित हुआ, सोने को क्या काम किया हुआ है। तो सोने चांदी की तो बहुत महिमा है जगत को, इसलिए जैसे लोग हैं उनके लिए वैसी चीज लगाई जाती, क्या करो। और फिर परीक्षा भी हो जाती है ना, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी, आपको ज्यादा मजा है उसमें तो आप वहीं अटकोगे। किसी को नृत्य देखने में मजा है तो नृत्यशाला में अटक जाएगा, किसी को स्विमिंग पूल वगैरह जिसमें मजा है नहाने धोने में तो वो तालाब वगैरह अच्छे सुंदर सुंदर, बाग बगीचा देखने का शौक है तो बगीचे भी आपके लिए। क्या ये देखने वृक्ष वगैरह देखने तो वृक्षों की पंक्ति है, और ये ध्वजाएं देखनी तो ध्वजा की पंक्ति है, किसी को भगवान की मूर्तियों के दर्शन करना तो चैत्य भूमि है, सब प्रकार की भूमि है।
वहां तक तो वही पहुंचेगा जिसको सचमुच दिव्य ध्वनि सुननी है। इसलिए उन सबको बाहर निकालने का और तरीका क्या है, समझ लो। यहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए, कौन जो यहाँ के उत्पाद करे, तो अपने पास क्या व्यवस्था है, अपन समझ लो अपन लगा भी दो चार जनों को, लेकिन किस किस से पूछोगे भैया तू उत्पाद करेगा कि नहीं करेगा। अब हजारों लोग जहाँ आ रहे हो वहाँ किस किस से करें, तो यही व्यवस्था लगा ऑटोमेटिक व्यवस्था। किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, जिसकी जो जहाँ होगी वो अपने आप बांट जाए। क्या स्टॉपर और कहाँ से लगा, वहाँ कोई जगह जगह उनके होते ही पूछेंगे कि वो उससे ऊपर से नीचे तक चेकिंग करेंगे, और क्या डिटेक्टर्स कि बम बम लेके तो नहीं आई है अंदर, कितने लोग चले जाएंगे, तो कुछ नहीं है वहाँ डिटेक्टर। वो यही डिटेक्टर है कि जो कोई रागी होगा भोगी होगा वो वही इन्हीं चीज़ों में मगन हो जाएगा। ऊपर पहुँचने के लिए तो वैसी पात्रता चाहिए, तो वैसी पात्रता होगी तो पहुँचेगा। देखो वीतरागी को वहाँ पे भी कोई मतलब वीतरागी मतलब इन सब वस्तुओं के प्रति जिसको राग नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं उलझेगा। और थोड़ा भी राग है तो रोज जाते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो रोज भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं और नीचे ही उलझ के रह जाते हैं। भगवान का विहार हो जाता है तो तब विचार आता है कि अरे हम तो रही गए। ऐसे अनेकों लोग होते हैं उस समय भी, झाड़ फूल पत्ती का शौक तो आदमी को अनादि से कोई नया थोड़ी नहीं है। अपन तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं जैसे, तो जिसको जिसका रस होता है वो सबसे पहले ही वहां पहुंच जाता है। पूछो कहाँ है ये, आ रहे हैं कहीं से, आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं कहीं कहीं। जिसका जो रस होगा वो अपने रस को कहीं से भी पुष्ट करेगा। होगा कि नहीं होगा, खाने पीने का रहस्य तो सबसे पहले भोजनालय में जाके दौड़ लगा के आएगा, क्या यहाँ बुक करा लो सबसे पहले। कमरे में रहने का रहस्य होगा तो कमरे बुक कराने जाएगा, मंदिर में कौन जाएगा जो दर्शन करने आया हो, बाकी सब इधर उधर दौड़ते भागते दिखेंगे। अब ये प्रत्येक देख सकते हैं, जिंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये सब चीजें देखना। अपनी रुचि है, रुचि अपनी कहाँ पड़ी हुई है, तो इसलिए ये सब किए जाते हैं। ये सब क्या समोषण आदि के अंदर ये सारी विभूति का कारण ये, तो वीतरागी भगवान है तो उनके कोई पुण्य का उदय हो उत्कृष्ट जाति का, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। और वैसे तो पाप तो उनकी कोई पाप प्रकृति बची नहीं है, लेकिन समुद्र में बूंद बराबर यदि कोई हो भी तो भी वो उनके दुख का कारण नहीं है, क्योंकि दुख का कारण कौन होता था, मोहनी कर्म। अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख हो नहीं रहा था, दुख मान रहा था। काय की वजह से दुख मानता था पाप प्रकृति के उदय में, मोह से। दुख किसी को होता नहीं, दुख का क्या कारण है, मोह। दुखी होने का एकमात्र कारण मोह, मोह से ये पाप प्रकृतियों में दुख मानता है, पुण्य में सुख मानता है। न पाप में दुख होता है न पुण्य में सुख होता है, लेकिन मोह से मानता था और पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मानता था। परमार्थ से ये सब क्या थे, परमार्थ से अकुलता के कारण सब दुखी था, वो भी दुख था ये भी दुख था, पाप का उदय भी दुख था पुण्य का उदय भी दुख था, सुख दोनों में नहीं था, एक में दुख कम था एक में दुख ज्यादा मानता था, कोई मानता था इसे तो। लेकिन सब परमार्थ से आकुलता होने के कारण सब क्या था, दुखी था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, आकुलता समाप्त हो गई सारी। मोह के निमित्त से आकुलता होती है, मोह राग के भाव से आकुलता किस बात की नहीं था। मोह है ना वस्तु का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता तो अपने को आकुलता होती है, मेरा क्या होगा, मेरा नाश हो जाएगा, मेरे इसका क्या होगा, तेरा क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा तेरा, तेरा नाश हो जाएगा कि नहीं, बाल बच्चों का क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे,
कि नहीं मेरे मरने की बात क्या होगी, क्या होगा तेरे मरने के बाद, तेरे मरने के, तेरे जीने के पहले उनका क्या होता था, उनके जीने के पहले क्या होता था, जो पहले होता था बंद हो जाएगा। अपने पास में आ गया तो चिंता सारी अपनी, और जब अपने पास नहीं जाता तब उसका कैसे चलता रहा सब काम, और अपन मर जाएंगे तो भी उसका कैसे चलेगा उसके हिसाब से। हमारे पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, तो अपना काम तो चल रहा है कि चल, दुनिया में किसी काम रुक रहा है, वो सबसे बड़ी बात तो वो अपने आप अपने साथ में अपना पुण्य पाप का उदय लेके आया है। असली पूंजी तो उसकी वो है, यदि उसका पाप का उदय हो और तुम भी यही हो और उसके पाप के उदय से कोई रोग आ जाए उसको, तो तुम क्या कर लो, कर लो उसको बताओ, ठीक करके बता दो। उसके पाप के उदय से उसका एक्सीडेंट हो जाए तुम क्या करोगे, तुम 24 घंटे साथ और साथ भी रहो, तुम्हारा भी हो जाए उसका भी हो जाए, तो इसलिए ये मोह के उदय से दुख है, सारा मोह है संसार, जितने जीव दुखी है जितना मोह तीव्र उतने दुखी, जितना मोह कम है उतने सुखी, मोही जीव तो हमेशा दुखी है निरंतर, क्यों, क्योंकि मोह से पर वस्तु को अपना मानता है और उनकी सारी चिंता उड़ के चलता है, इस कुटुंब, ये कुटुंब मेरा है, इस कुटुंब की सारी रक्षा का भार मेरे सिर पे है, हेड ऑफ द होम चलता है, क्या करें पूरा इतना बड़ा जो है बोझा लेके चलता है, बोझे की कोई जरूरत नहीं है, जीवन तो यूं ही चलता है लेकिन बोझा लेके चलता है अज्ञानी मोह के निमित्त से, क्योंकि वो ये मानता है कि सारा का करने का भार किसके ऊपर है, मैं ही कर रहा हूँ, होता है उसके उदय से, और ये मानता है मैं कर रहा हूँ, और कर क्या रहा है, उसका जीवन चल रहा है, तो जीवन तो यूं ही चल रही है ना, चेतना है, चेतना का जीवन तो चैतन्य से है, चेतना का जीवन कैसे, चेतनता से, उसके सुख सत्ता चैतन्य बोध ही उसके प्राण है, अपन किसी को प्राण दे रहे हैं क्या, हमने उसका जीवन कायम रख रखा, उसकी आयु ने उसका जीवन कायम रख रखा, उसकी मनुष्य आयु लेके आया है, उससे जीवन चल रहा है उसका। दूसरी बात निश्चय से देखा जाए तो उसके प्राण तो क्या है, सुख सत्ता चैतन्य ज्ञान, ये उसके प्राण है, वो उससे जीता अनादि से, उससे जी रहा है, अनंत काल तक उससे जिएगा, ये इस शरीर से जीते ही नहीं, और इस शरीर से भी जीने का कहो तो तुम क्या करते हो, उस शरीर में भी तो उसकी आयु उसको जीवन दे रही है, वो आयु से इस शरीर में रुका, तो तुम कौन हो गए खेत की मूली, माने अंतरंग कारण भी देखा जाए तो वो कौन है, आयु कर्म का, और असली उपादान कारण की बात करें तो उसका स्वयं का सुख सत्ता चैतन्य बोल उसके असली प्राण, इसलिए मैं किसी को प्राण देता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो प्राण देने वाला कौन रहेगा, ये सब मोह का खेल है, ये सब समझ ना, हर घर घर में इसलिए भगवान बैठे हुए, भगवान क्योंकि जैनियों को मना कर दिया कि भगवान कुछ नहीं करते, तो सब घर घर में खुद ही भगवान बन गए, मैं नहीं करूंगा इस घर का तो क्या होगा, मेरी इच्छा के बिना इस घर का एक पत्ता नहीं मिलता, तो भगवान की मान्यता ही तो है तुम्हारे अंदर, तुम घर के भगवान, अपने घर के भगवान, वो उसके घर का भगवान, तुम परद्रव्य के कर्ता बने की मान्यता तो वैसी की वैसी बैठी हुई है, भले ही तुम जन्म से जैन हो लेकिन मान्यता से तो हिंदू, तुमको आयु कर्म का श्रद्धान का है कि आयु कर्म से जी रहा है, उसके पुण्य पाप के उदय से उसका अच्छा बुरा हो रहा, मैंने किया तुमने अभी कर लो अभी काम कर, जो हो जाए वो मैंने किया, और जो अच्छा नहीं हुआ वो सब उसके उदय से हुआ, कर्म के उदय से हुआ, बुरा हो तो पाप उस बच्चे के पाप का उदय था, और अच्छा हो तो मैंने किया है, मोह का उदय है कुछ नहीं है, तो मोह के उदय से आकुलता होती थी और आकुलता होने से दुखी होता था, अब मोह का अभाव हो गया, आकुलता नष्ट हो गई, सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वो कारण तो सब दूर हो गए, अघाती कर्म में भी जो पाप प्रकृति थी वो सब दूर हो गई, सिद्धों के तो वो भी चली गई ना, जिन कारणों से दुख मान रहा था चलो पाप प्रकृति के उदय में दुख मान रहा था तो पाप प्रकृति का उदय भी नष्ट हो गया, तो वे कारण तो सब नष्ट हो गए, दुख के कारण सब नष्ट हो गए,
दुख मानना भी नष्ट हो गया और दुख जिन कारणों से मानता था वो भी नष्ट हो गया। मैंने मोह के कारण से दुख मानता था, मोह नष्ट हो गया तो दुख मानने की कोई बात ही नहीं। लेकिन जिनके निमित्त से वो दुख मानता था पहले, अब वो चीज भी नहीं रही, पाप का उदय भी नहीं रहा। और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, कोई ऐसे पुण्य के उदय होते थे ना तो किंचित दुख दूर होते थे तो सुख मानता था, सब मूल ही में दुखी नहीं रहा। तो किंचित दुख दूर करने में सुख मानने की बात ही नहीं, जब दुख रहा ही नहीं तो अब थोड़ा बहुत सुख की जरूरत ही नहीं, अब तो आनंद सुखी है। ऐसा समझना, किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से मैंने पुण्य के उदय से सुख मानता था, सब मूल ही में दुखी नहीं रहा, मैंने दुखी नहीं रहा तो दुख को दूर करने के लिए पुण्य के उदय की जरूरत है ही नहीं। पुण्य का उदय क्यों चाहिए था? दुखियों को चाहिए पुण्य का उदय, जो स्वाधीन सुख को भोगते उन्हें कोई पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य तो जो दुखी है, बेचारा रो रहे हैं, पीड़ित है नाना प्रकार की आकुलताओं से, इससे मोही है, दुखी है, उसको चाहिए ये चीजें। जो बीमार आदमी है दवाई किसको चाहिए? उसको चाहिए। बीमारी में तकलीफ सहन नहीं होती है, दवाई मिलती है सुख मान, तो दवाई की जरूरत बीमार आदमी को है पक्का। जिसे बीमारी नहीं है उसे दवाई की क्यों जरूरत? जो दुखी नहीं है संसार में उसे क्यों जरूरत है किसी चीज की? साता का उदय किसे चाहिए? जो अभी वर्तमान में दुखी हो रहा है, दुखी है, साता का उदय आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और कोई दुखी नहीं है, कहेगा हमें कोई उदय की जरूरत ही नहीं, हम अपने से सुखी हैं, हम अपने से अपने में अपने लिए सुखी होते हैं, तो हमें कोई पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं। ना साता का उदय चाहिए ना हमें असाता के उदय से कोई भय। जो अपना स्वाधीन सुख भोगता है वो कर्मों के उदय की परवाह नहीं करता, और जो स्वाधीन सुख के छोड़कर पर वस्तु से सुख चाहता है वो हमेशा साता के उदय के पीछे विचार है, वो साता के उदय को चाहता है, साता के उदय सदा काल तो आता है। सब मूली में दुख नहीं रहा, इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। जब बीमारी नहीं रही, दुख ही नहीं है, तो दुख के उपचार का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा कि उससे कार्य की सिद्धि करना चाहे, भाई दुख मिटाना चाहे। जब दुख है ही नहीं तो दुख मिटाने की बात नहीं, उदय नहीं चाहिए, उसकी सिद्धि स्वयं होगी, मोह जाने से स्वयं सुखी है। इसी का और विशेष बतलाते हैं, वेदनी में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधा आदि होते थे। असाता वेदनी के उदय से शरीर में भूख लग रही है, रोग आ रहा है, ये सब किसके काम थे? असाता वेदनी, असाता वेदनी का उदय से होते थे सब। अब शरीर ही नहीं तब ये सब रोग क्षुधा आदि कहां? जितनी भी दुख है, दुख का कारण तो शरीर है। कभी आप कल्पना में अपने अंदर बैठ के विचार करो, हमारे समझ लो शरीर नहीं है, अब काय का दुख है? शरीर रहा ही नहीं, अपन जीते जी अपने को थोड़ी देर मरा हुआ अनुभव करके देखो, मैं मर चुका हूँ, शरीर मेरे नहीं। अब बताओ कौन सा दुख तुम्हारे है? ऐसे एक भी दुख का नाम बताओ कि जो बिना शरीर के तुम्हारे को हो जाए। सोच कर है कि कोई किसी को हो तो बता दो, मुझे ही पता चले कौन सा दुख है जो बिना शरीर के भी हो जाए। मरने के बाद में भी यहाँ का दुख किसको होगा? जितने दुख है आकुलता और सब काय के निमित्त से, शरीर के निमित्त से। शरीर के बिना कोई आकुलता का कारण है? अरे स्त्री पुत्र आदि की भी जो चिंता है तो उनका संबंध तो शरीर से है ना, कि शरीर ही नहीं रहेगा तो कौन किसका स्त्री है, किसका पुत्र है, कौन है? आप बंद होने के बाद में कौन बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, क्या है? सारा संबंध मेन स्विच शरीर है, मेन स्विच ऑफ सब ऑफ।
जितनी भी अपने को सुबह से शाम तक आकुलता भी हो रही है वही शरीर के लाने हो रही है। सारा आकुलता और दुख का कारण ही शरीर है सब। इसलिए शरीर के अभाव होने पर सुख क्यों नहीं होगा? क्या असाता वेदनी का उदय आता? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, रोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट का संयोग, क्या धनाधिक का वियोग, ये सारे दुख काय के कारण से? शरीर के निमित्त से। पैसा छीन लिया किसी ने अपना, क्या धन छीन लिया, ये हड़प लिया, वो हड़प लिया, ये हड़प लिया, शरीर के निमित्त से। धन का संबंध शरीर के निमित्त से, मनुष्य पर्याय के अंदर संबंध है, जानवरों में क्या संबंध? कुछ नहीं, मनुष्य गति के अंदर है ये सब चीजें। और ये भी शरीर के निमित्त से, शरीर माइनस कर दो तो कोई दुख नहीं, क्योंकि ये सब शरीर को चाहिए रहता है। मकान चाहिए तो मकान की चिंता, रहने के लिए मकान चाहिए, पानी बरसे नहीं तो कहीं भी सड़क करे तो बरसे, इसलिए जगह चाहिए खाने के लिए, रोटी अन्न चाहिए चलाने के लिए, तो शरीर चलाने के लिए चाहिए ना, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, माने ये सब शरीर के लिए चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो सब दुख के कारण असाता वेदनी के, मतलब शरीर के निमित्त से। शरीर ही नहीं है तो ये सब कहाँ हो? तथा शरीर के अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, गर्मी लगती थी दुख होता था। गर्मी से दुख क्यों होता था? क्योंकि शरीर के अनिष्ट अवस्था को कारण था। शरीर में रोग होता ना तो उसके लिए गर्मी कारण होता था, तो गर्मी का मौसम आते ही अपने को बेचैन गया, तो वो भी उसका कारण तो शरीर है ना। धन का वियोग हुआ समझो, धन का वियोग होने पर अपने बेचैनी होती कि भैया धन से अपन अपना उपचार करा लेते थे, ये सब करते थे, अब नहीं रहेगा तो उपचार कैसे होगा शरीर का, जो भी काम नहीं हो, उसमें भी मूल शरीर ही कारण है। परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो? कि गर्मी किसको दुख का कारण होगी? गर्मी सर्दी कोई दुख का कारण तथा भाई अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। अनिष्ट क्या है सिद्धों के? क्या अनिष्ट है? अनिष्ट तो शरीर को होते थे, शरीर को निमित्त बनते थे अनिष्ट। क्या जो कुछ भी अनिष्ट होता है वो शरीर के लिए होता है? अब तो शरीर का ही अभाव हो गया तो अनिष्ट का कोई कारण ही नहीं रहा ना, अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो क्या हो गया? अभाव हो गया, ऑल टुगेदर खत्म। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजन आदि थे, तो उनका प्रयोजन ही नहीं रहा। साता उदय चाहता था, भूख लगती थी तो साता का उदय आ जाए, चुदा असाता के उदय से हुई तो उसके मिटाने का उपाय क्या करता था? भोजन। साता का उदय आ जाए, खाने को मिल जाए, रोग हुआ औषधि मिल जाए। अब शरीर ही नहीं है, भूख ही नहीं है, रोग ही नहीं है, तो इसलिए औषधि भोजन आदि का कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्या भगवान के आगे अपन रखो कुछ भी रखो, लाड़ी लाड़ू घेरवी बनवा जो भी, जो जो भी चीजें, लेकिन उनको क्या मतलब है? क्या कुछ मतलब? उनको भोग लगा रहे हैं, उनको भोग लगे तुमको खाना हो तो अपने को लगा लो, उनका नाम लेके उनके आगे रखो, इनका प्रसाद उनने दिया, उनका प्रसाद उनने तो दिया ही, उनने खुद नहीं चढ़ाया खुद ही खाया प्रसाद उनके नाम का। धर्म का धर्म, भोग का भोग, टू इन वन, ऐसा धर्म किसको अच्छा ही लगेगा? पेड़ खाने को मिला अच्छे से प्रसाद के नाम को भी नहीं। तो वो उनकी जरूरत ही नहीं भाई, मैं उनको भोजन के बिना ही सुखी है, पानी के बिना ही सुखी है, भगवान को भोग नहीं लगते। जो सरागी जीव है संसारी, उनके भोग भोग की जरूरत है, 56 भोग उनको लगे जिनके भोग की इच्छा हो, जिन्होंने भोगों को दुख रूप मान के पहले त्याग कर दिया, जिनके शरीर ही नहीं है उनको कौन सा भोग चाहिए? इसलिए भगवान को कुछ नहीं चढ़ते ये भोग भोग के सामने। ऐसे देव भी जो है ना वो तो अमृत आहार ही होते हैं, उनके भी तुम्हारी चीज तो ही खाएंगे वो। तुम्हारा भोजन ऐसा है
जैसे किसी उच्च कुलीन राजा के राजा का जो राजा हो और वो राजा को किसी एकदम निम्न कुलीन किसी बिल्कुल सड़क पे चलता है आदमी को कोई भीख मिल जाए रोटी दो रोटी और वो मिल जाए अपने राजा को खाने में तो उसकी रुचि होगी क्या उसमें जिसके घर पे अच्छा सुस्वादु जिसके महल में भोजन बनता हो वो किसी हीन भोजन के अंदर उसका परिणाम ही नहीं जाएगा। जैसे तुम वो अमृत आहारी वेक्रिय शरीर के धारी और तुम्हारा क्या भोजन लगेगा उनको जब विचार तो करो जो तुम उनको चढ़ा रहे हो खुद को खाना नहीं हो तुम्हारे इस औदारिक शरीर की जो सामग्री निष्पन्न हुई अरे यहाँ के अच्छे अच्छे आदमी नहीं खाए उनको सामग्री डालडा का बना हुआ लड्डू लिया है प्रसाद मैंने कहा ये तो डालडा का बेड़ा अच्छे आदमी को दोगे वही नहीं खाएगा ये तुम भगवान को भी डालडा का ही चढ़ा दे रहे अच्छा अच्छा आदमी नहीं जिसको खाए भगवान की उसमें रुचि जाएगी बताओ। रात को जो बजे बनी है बाजार में मिठाई वो पेड़े ले आए भगवान में चढ़ा दो प्रसाद भगवान हमें किसी को दे देता है प्रसाद भैया हम तो हम ही रात को नहीं खाते तो तुम्हें भगवान किस दिन दे रहे हैं इस प्रसाद को पता ही समझ रहे तुम्हें देवी देवता इस प्रसाद को ग्रहण कैसे करते हैं। और यदि वो देवी देवता काय का उसको जैन धर्म का इतनी श्रद्धा नहीं कि बाजार की सबको प्रसाद बंटवा रहा वो जैनी देवता कैसे हो गया तो जैनी देवता को मना करवाना चाहिए ना कि ये रात को कोई बाजार की मिठाई नहीं घर की लाओ प्रसाद मेरे नाम से बांटना है तो कम से कम जो जो चीजें गलत है वो करवाएगा क्या उसको नहीं कराएगा ना इसलिए ये नहीं ये उनको कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारे इन भोजन से न इनसे ये जो चढ़ा रहे हैं तो उनका प्रयोजन नहीं रहा और इष्ट कार्य उनके पराधीन नहीं रहे सब इष्ट कार्य स्वाधीन इष्ट माने जो लोग भी मानते हैं जो जो भी इष्ट माने जाते हैं वो सब कार्य हो ही रहे स्वयं में तीन लोग उनको स्वयं में पूज रहा है इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे इसलिए भाई में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा मित्र तो अपने किन्हीं कार्यों की पूर्ति करते थे कार्य स्वयं में बन रहे हैं तो किसी को मित्र को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था तो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हो गया सब इष्ट की प्राप्ति हो गई इसलिए अब किसी के द्वारा उसको जरूरत ही नहीं न मित्र की जरूरत है न भोजन की जरूरत है माने साता के उदय की उसका आवश्यकता ही नहीं है बाकी कल करें।